नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से 3 भाग बना चुका हूँ, ये चौथा भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक एक प्रश्न जो है, चाहे आप राजस्व लेखपाल, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, एनम, जेनम या स्वास्थ्य कार्यकर्ता में प्रयोगशाला टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण GS GK पॉइंट भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से लिए गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, पहला पॉइंट है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर 23 दिसंबर 1912 को बसंत विश्वास, बहुत बार पूछा गया, बसंत विश्वास, मंथन विश्वास, मनंत विश्वास ने बम फेंका, परंतु वह बच गए। बहुत बार दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के षडयंत्र में योजना राज बिहारी बोस ने बनाई थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों यह। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या से संबंधित मुकदमा दिल्ली षडयंत्र केस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नल वायसी की हत्या लंदन 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा द्वारा कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन लूट कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ, अक्सर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, काकोरी ट्रेन लूट कांड कब हुआ, तो 9 अगस्त 1925 को। इनमें से 4 क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन लाल तथा राजेंद्र लहरी को फांसी की सजा दी गई थी। काकोरी डकैती घटना के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। 1930 में चटगांव के सरकारी सशस्त्रगार पर हुए सशस्त्र आक्रमण के नेता सूर्यसेन थे। 1908 में अंग्रेज द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को मांडेल जेल भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हाउस कहां पर स्थित है, लंदन में, अक्सर पूछा जाता है, इंडिया हाउस कहां पर स्थित है, लंदन में है। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था अमेरिका। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को गाड़ी पर बम फेंका था, यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हुए हैं। विदेश में भारतीय क्रांतिकारी संगठन जो दोस्तों था, क्या क्या था, इंडिया हाउस 1904 लंदन में, ये संस्थापक श्याम जी कृष्ण वर्मा जी रहे। अभिनव भारत 1904 में लंदन, बीडी सावरकर, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग अमेरिका में तारकनाथ दास, इंडियन इंडिपेंडेंस व लीग एंड गवर्नमेंट काबुल में राजा महेंद्र प्रताप। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, अक्सर ये पूछा जाता है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग टोक्यो राज बिहारी बोस। अब दोस्तों, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो बता रहे हैं आपको हम। बंगाल में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रेरिता राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की, पेट में क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्रारंभ किए जाने वाले सुधार का आंदोलन ब्रह्म समाज सुधार आंदोलन था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टन में हुई थी लंदन में दोस्तों। यह भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत का अग्रदूत था, देश का पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कराने में राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था, द्वारा दी गई थी। केशव चंद्र सेन के प्रयास में मद्रास तथा बम्बई में वेद समाज एवं प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में हुई। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत महोदय गोविंद रानाडे को माना जाता है। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई द्वारा की गई। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनाने वाले सबसे पहले भारतीय AC वाडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता हेनरी विवियन डेरोजियो, बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सर विलियम जॉन्स थे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख 1823-92 उपाधि दी गई थी, देशमुख जो है। और आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में दयानंद सरस्वती जी ने की थी, अक्सर पूछा जाता है आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर, बहुत बार पूछा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन है, स्वामी ब्रजानंद, बहुत बार पूछा गया दोस्तों यह भी। पुनः वेद को और चलो
यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा हिंदी में की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 5 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई। विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे। शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था और उसे संबोधित भी किया था। सुभाष चंद्र बोस के अनुसार विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। 1893 में अमेरिका जाने के पूर्व महाराज खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्रनाथ ने अपना नाम विवेकानंद नाम रख लिया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एचपी ब्लास्वसो एवं कर्नल अल्काट द्वारा की गई थी। ब्लास्वस्की द्वारा मैडम एचपी ब्लास्वसो थियोसोफिकल सोसाइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अडयार 1822 में स्थापित किया। कर्नल अल्काट की मृत्यु हो जाने पर सोसाइटी का अध्यक्ष रानी एनी बेसेंट को बनाया गया। एनी बेसेंट को ने आयरलैंड स्वराज लीग के नमूने पर 1916 ईस्वी में भारतीय स्वराज लीग की स्थापना की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय स्वराज लीग की। बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में थी। सत्य सोजक समाज की स्थापना ज्योतिबा भाई फूले द्वारा 1873 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में की गई। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां ने की थी। मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई में डीके करवे के प्रयासों से भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की पारित कराने की ईश्वरचंद विद्यासागर का प्रमुख योगदान रहा। इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण संगठन कौन कौन से हैं यह आप देख लीजिएगा। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815 ईस्वी में, और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 में। यंग बंगाल हेनरी डेरिजियो ने, तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। थियोसॉफिकल का एचबी ब्लास्वस्की हैं 1857 में, और दोनों लोग हैं एचबी ब्लास्वस्की और कर्नल अल्काट जी हैं। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी हैं। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा बाई फूले। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट व तिलक जी हैं। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर जी हैं। भारत संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अभिनव भारत बीडी सावरकर। मुस्लिम लीग आगा खां एवं सलीम उल्ला खां। खिलाफत आंदोलन अली बंधु। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतो एवं राशिद अहमद गंगोही। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में की गई। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की। केरल में वैकोम सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य निम्न जातियों के लिए मंदिर के द्वार उन्मुक्त करवाना था। अब भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। भारत में प्रथम बार प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा की गई 1857 ईस्वी में। प्रथम पुस्तक गोवा के पादरियों द्वारा छपी गई। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का श्रेय जेम्स ऑगस्टन हिकी को जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। भारत में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस की मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोग को जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से पार्ट 4 बताया हूँ, पार्ट 4 है। और जो भी भाई बहन चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।